हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आशा एंड आज मैं आपको 12th क्लास की हिस्ट्री का लेसन में बताने जा रही हूँ। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में 12th क्लास की बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है कंटिन्यू किया था, अब उसका जो लास्ट पार्ट है मैं आपको बता रही हूँ। एट्थ पार्ट है ये। चलिए शुरू करते हैं, बहुत सिंपल तरीके से आपको मैं समझाऊंगी। तो जो ये बुक है 12th क्लास की, इसका नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय। चलिए शुरू करते हैं। लेसन वन जो है इतिहास, भाग एक, ईंटें, मनके और अस्थियां। हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम पढ़ रहे थे, ये जब सभ्यता कितनी साल पुरानी है और इसके जो साक्ष्य है वो हमें खुदाई के दौरान मिले हैं। पुरातात्विक ने खुदाई की तो पता चला कि ये कोई छोटी मोटी सभ्यता नहीं, बहुत बड़ी सभ्यता थी जिसका नाम था हड़प्पा सभ्यता। तो ये पिक्चर में आप देख रहे हैं कि जो हम नाइन्थ पॉइंट पढ़ेंगे, एट पॉइंट तक हमने पढ़ लिया था, अब नाइन्थ वाला पॉइंट पढ़ेंगे हम कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। कुछ पुरातत्व कहते हैं कि बाढ़ आ गई होगी तो इसका अंत हो गया होगा, कुछ कहते हैं कि प्राकृतिक आपदा के कारण ये पूरी सभ्यता नष्ट हो गई। अचानक से नष्ट कैसे हो सकती सारी सभ्यता एक साथ, तो कोई प्राकृतिक आपदा हुई होगी या वनस्पति खत्म हो गई होगी या खाने पीने का सामान खत्म हो गया होगा पूरी सभ्यता पे, ऐसे अनुमान लगाते हैं। पर कोई स्थायी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, जो सच्ची बात प्रमाणिक रूप से प्राप्त नहीं हुई है, इसके अनुमान के तौर पर इतिहासकार अंदाजा लगाते हैं। हड़प्पा सभ्यता का अंत, ऐसे साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा सभ्यता में जिनके अनुसार लगभग 1800 ईसा पूर्व तक चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में हड़प्पा सभ्यता का अंत। पहले मैं आपको अंडरलाइन कर देती हूँ। हड़प्पा सभ्यता का ऐसे साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा सभ्यता में जिनके अनुसार लगभग 1800 ईसा पूर्व तक चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया था। चोलिस्तान जो जगह है वहां पे हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया था लगभग 1800 ईसा पूर्व। ऐसा लगता है कि हड़प्पा की उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में थे। कुछ चुने हुए हड़प्पा स्थलों की भौतिक संस्कृति में बदलाव आए, जैसे सभ्यता की विशिष्ट पुरावस्तुओं जैसे कि बाट हो गई, मोगरे हो गई, विशिष्ट मनके हो गए का समाप्त हो जाना। लोगों ने नगर छोड़ दिए थे और मोहरे अचानक से अप्रचलित हो गई थी, यानी कि प्रचलन में नहीं थी मोहरे। तो इसकी क्या वजह होगी, क्योंकि मोहरे तो बहुत चलती थी हड़प्पा सभ्यता में, एकदम से बंद होने का क्या कारण था। और मेन पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, लंबी दूरी का व्यापार तथा शिल्प विशेषज्ञता भी समाप्त हो गई थी। लोगों ने नगर छोड़ दिए थे और अचानक से अप्रचलित हो गई थी। ये बेस कर देती हूँ, बंद हो गया। तो लोगों ने नगर छोड़ दिए थे, मोहरे अचानक से अप्रचलित हो गई थी, लंबी दूरी का व्यापार तथा शिल्प विशेषज्ञता भी समाप्त हो गई थी, आवास निर्माण की तकनीकों का ह्रास हो गया था तथा बड़ी सार्वजनिक संरचनाओं का निर्माण अब बंद हो गया था। कुल मिलाकर क्या हो गया था, पूरा वस्तु तथा बस्तियां इन संस्कृतियों में एक ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत करती है। इन संस्कृतियों को हड़प्पा सभ्यता तथा अनुवर्ती संस्कृतियां भी कहा नहीं जाने लगा, क्योंकि सब चीजें अचानक से बंद हो गई थी, इसीलिए इसको ये कहते हैं आवास निर्माण की तकनीकों का ह्रास हो गया, मतलब खत्म हो गई थी, और बड़ी सार्वजनिक संरचनाओं का निर्माण अब बंद हो गया था। चलिए आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का अंत के डायग्राम के थ्रू मैंने यहाँ बता रखा है आपको, एक चार्ट के थ्रू, कि कैसे और प्रमाण कैसे मिले प्रमाण हड़प्पा सभ्यता में और क्यों मिले। तो प्रमाण कैसे मिले, विकसित नगर पहले क्या हो गया था कि मोहरे प्रचलन बंद हो गई थी, मोहरों का जो प्रचलन था वो बंद हो गया था, जो बहुत फेमस थी मोहरे हड़प्पा सभ्यता, उनका प्रचलन बंद हो गया था, जो हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। लंबी दूरी के व्यापार बंद हो गए थे, ये पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट होगा लंबी दूरी के व्यापार बंद हो गए। तीसरा हो गया शहरी संस्कृति, गाँव की संस्कृति में परिवर्तित हो गई थी, और उत्तर पश्चिम में जो लोग रहते थे वो
भी मैदान में चले गए। तो कैसे हो गए थे, कैसे प्रमाण मिलते हैं कि विकसित नगर क्या हो गए थे, खाली हो गए थे, विकसित नगर हो गए थे खाली। फिर उत्तर क्या क्यों हो गए थे, एक प्राकृतिक कारण था, एक प्राकृतिक कारण था जैसे कि जलवायु परिवर्तन, बाढ़ और सूखा, ये कारण हो सकते हैं हड़प्पा सभ्यता के अंत के, है ना। और सदृढ़ एकीकरण, सदृढ़ एकीकरण मतलब जो पतन का कारण था, पहले क्या होते थे जुड़ के रहते थे लोग, उसके बाद क्या हुआ ये सब खत्म हो गया, स्थानीय जगह पे रहने लग गए। सृजन एकीकरण मतलब सब जुड़ के रहते थे, सबका पतन हो गया और स्थानीय अलग जगह पे चले गए, यानी कि जो नगरी सभ्यता थी वो गांव में, गांव की संस्कृति में परिवर्तित हो गई, गांव की तरफ चले गए। हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसी हुई, अब 10 पॉइंट आता है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसी हुई, विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण इस सभ्यता में इस संदर्भ में किया गया है कि किस प्रकार पुरातत्वों ने भौतिक अवशेषों से प्राप्त साक्ष्यों के माध्यम से एक आकर्षक इतिहास के अलग अलग अंशों को एक साथ जोड़ा है, यानी कि इतिहास कैसे हम इतिहास की जानकारी मिलती है, अलग अलग स्रोतों से जोड़कर एक साथ मिलाकर साक्ष्यों को हमें एक विस्तृत जानकारी मिलती है। लेकिन एक और कहानी भी है कि किस प्रकार पुरातत्वों ने सभ्यता की खोज की, कैसे खोज की। जब हड़प्पा सभ्यता के शहर नष्ट हो गए तो लोग धीरे धीरे उनके विषय में सब कुछ भूल गए थे। जब लोगों ने शताब्दियों बाद इस क्षेत्र में रहना प्रारंभ किया तब वे यह नहीं समझ पाए कि बाढ़ या मिट्टी के कटाव के कारण अथवा खेत की जुताई के समय या फिर खजाने के लिए खुदाई के साथ खुदाई के समय यदाकदा धरती की सतह पर आने वाली अपरिचित पुरावस्तुओं का क्या अर्थ लगाया। जिसका मतलब यह कि जब पुरातत्वों ने खुदाई करी हड़प्पा सभ्यता की, मतलब हड़प्पा सभ्यता के शहर जब नष्ट हो गए थे तो लोग धीरे धीरे इस बात को भूल गए थे, पर बहुत साल बाद शताब्दियों के बाद इस क्षेत्र पर लोगों ने रहना प्रारंभ किया तो अब बाढ़ आ जाती है, जैसे मिट्टी की कटाई कर रहे हैं, खेत में जुताई कर रहे हैं किसान, तो पता चला कि खुदाई में कुछ कुछ सामान मिल रहा है उन्हें, तो वो सोचते थे कि सामान का बार बार मिलने का कारण क्या है, खुदाई में कम सामान क्यों कैसे मिलता है, इसका क्या अर्थ है। तो अब इसका फर्स्ट पॉइंट आता है हड़प्पा सभ्यता की खोज में कनिंगम का भ्रम। एक कनिंगम था कोई, उसका भ्रम, उसने कैसे भ्रमण किया, उसने किससे क्या क्या मिला। तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के भारतीय पुरातात्विक मतलब पहले जो पुरातात्विक थे ना जिन्होंने खुदाई करी, के पहले डायरेक्टर जनरल कनिंगम थे जिन्होंने खुदाई करी थी, मतलब सर्वेक्षण जिन्हें स्रोत मिले, सर्वेक्षण किया मतलब घूमे देखा भ्रमण किया, होते डायरेक्टर जनरल कनिंगम। 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातात्विक उत्खनन आरंभ किए, तब पुरातात्विक अपने अवशेषों के अंतर्गत मार्गदर्शन के लिए लिखित स्रोतों का प्रयोग अधिक पसंद करते थे। कनिंगम की रुचि थी आरंभिक ऐतिहासिक चीजों में, आरंभिक ऐतिहासिक तथा उसके बाद के कालों से संबंधित पुरातत्व में थी। फिर इसके बाद आता है एक नवीन प्राचीन सभ्यता। तो कनिंगम का भ्रम में क्या आता है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले मतलब भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण सर्वे किया जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता को, पहले डायरेक्टर थे जनरल कनिंगम। तो कनिंगम की रुचि की आरंभिक ऐतिहासिक तथा उसके बाद के कालों से संबंधित पुरातत्व में थी, एक नवीन प्राचीन सभ्यता। तो इसमें क्या था, दयानंद साहनी तथा राखाल दास बनर्जी जो पहले पुरातत्विक थे, उन्होंने मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई करी। दयानंद साहनी और राखाल दास बनर्जी उन्होंने जो पहले क्या थे पुरातत्विक थे, उन्होंने मोहनजोदड़ो की खुदाई की। पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल मार्शल जॉन मार्शल, यानी कि पुरातात्विक सर्वेक्षण जिन्होंने किया था, पुरातत्व का सर्वेक्षण जिन्होंने किया था, वो थे डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल, जो पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की है। याद हम मिट रहा है दिख नहीं जरा। तो इसमें ये बताया गया है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, कोई पूरे साक्ष्य नहीं मिलते कि ऐसे हुआ होगा, अंदाजा ही लगाते हैं कि इस तरीके से हुआ होगा, वो क्या बोलते हैं बाढ़ आई होगी, सूखा आ गया होगा, प्राकृतिक आपदा कारण हो गया होगा, लोग नगर सभ्यता छोड़कर मोहरे मोहरे प्रचलित में आ गई थी, प्रचलित थी नहीं तो शहरों की तरफ ही मूव कर लिया, तो ऐसे ही पता लगाते हैं। आपको ये लेसन समझ आ गया होगा। अब अगली वीडियो में हम लेसन के क्वेश्चंस या कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही करेंगे इस लेसन से रिलेटेड, ताकि आपकी रिवीजन हो जाए और पेपर में आपको काम करे, वो क्वेश्चंस आपको आए। और
अगर आपको इस ऐसी वीडियो देखनी है, आगे सेकंड चैप्टर पढ़ना है, इसकी रिवीजन देखनी है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। थैंक यू।